नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूँ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में कई परीक्षा केंद्रों पर UPTET की परीक्षा चल रही है, जिसके चलते परीक्षा में किसी तरह से कोई सेल ना लग सके उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए SPCT द्वारा पुलिस बल के साथ परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया गया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं खराब मौसम की वजह से सैकड़ों परीक्षार्थियों का पेपर भी छूट गया, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने कॉलेज के बाहर हंगामा भी किया। बता दें कि जनपद बिजनौर में आज UPTET की परीक्षा चल रही है। केंद्रों पर चल रही TET की परीक्षा को लेकर SPCT डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और परीक्षार्थियों को COVID-19 गाइडलाइन, साथ ही परीक्षा से संबंधित सभी गाइडलाइंस का 100% अनुपालन कराने के निर्देश भी दिए गए। उधर बिजनौर में रात से ही हो रही भारी बारिश की वजह से मौसम खराब है। खराब मौसम होने के कारण कुछ छात्र छात्राएं थोड़ी देरी से पहुंचे, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा 10 बजे ही मेन गेट को बंद कर दिया गया, जिससे छात्र छात्राओं की एंट्री नहीं हुई और उनका पेपर छूट गया, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा भी किया। इस दौरान परीक्षार्थी बबीता चौहान ने जानकारी देते हुए बताया। बबीता चौहान है मेरा नाम। मैं UPTET की परीक्षा देने आई थी, मैं टाइम से पहुंच गई थी, मेरे सामने ही गेट बंद कर दिया इन लोगों ने और हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला और हमारी बात भी नहीं करी प्रिंसिपल मैम से, हमारी कोई बात नहीं हुई और ये कह रहे थे कि हमने DM से भी बात कर ली है, सबने मना कर दिया एंट्री करने के लिए। तब भी हम टाइम पे पहुंचे, इन्होंने तब भी हमारी बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी। हमने बहुत ही रिक्वेस्ट की इनसे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, एक भी बात नहीं सुनी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी परीक्षा दोबारा दी जाए, कभी भी हो हमारी परीक्षा होनी चाहिए, हमें चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमारे लिए। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।